Hello students, my name is Neha and today I am speaking on behalf of Natovator. Well, आप लोगों को लग रहा होगा कि आज भी कोई बोरिंग सा सेशन चल रहा होगा, जैसे रोज़ आपके एजुकेटर्स लेते हैं जो आप लोगों को पढ़ाई के बारे में बताते हैं. तो आज हम थोड़ा अलग सा करते हैं. जब हम छोटे थे तो आप सब ने अपनी दादी के गोद में सर रख के कहानियाँ सुनी होंगी. जब हम परेशान होते थे तो हम दादी के पास जा कर के सो जाते थे. दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी तो हम अपनी सारी मुश्किलें भूल जाते थे. वैसे ही आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ. कहानी जो है काफ़ी पुरानी है. एक्चुअली कहानी एडम ईव के टाइम की है. तो उस टाइम जो है इंसान और भगवान जो थे साथ में रहा करते थे. तो भगवान जो है मतलब इंसान भगवान से जब भी कुछ भी मांगते थे तो भगवान उन्हें नहीं देते थे, क्योंकि इंसान को जितनी ज़रूरत होती थी भगवान उतनी देते थे. तो इंसान हमेशा जो है कंप्लेन करते रहते थे कि भगवान आप हमें ये नहीं देते हो, वो नहीं देते हो. एक बार तो भगवान ने हद कर दी. उन्होंने क्या किया, किसानों के जो खेत थे उनमें बिजली गिरा दी. तो अब किसान जो है वो रोते रोते भगवान के पास पहुँचे. उनमें से अब हमेशा हर भीड़ में एक आदमी तो होता ही है जो कि सबसे ऊँचा कुचक के आगे आता है. तो उस इंसान ने भगवान से कहा कि भगवान आपको कुछ नहीं आता, आपसे मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होती. आपके राज में देखिए, आप ये रो रहा है वो रो रहा है, कोई भी खुश नहीं है आपसे. तो भगवान ने एक स्माइल करी, सार्कास्टिक वाली स्माइल की उन्होंने भगवान ने, और कहा कि एक साल के लिए तुम भगवान बन जाओ और मैं इंसान बन जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है. तो वो इंसान मान गया. तो अब भगवान और उस इंसान ने आपस में प्लेसेस स्विच कर ली. वो इंसान भगवान बन गया और भगवान इंसान की ज़िंदगी जीने लगे. अब वो इंसान जो था वो किसान था, उसे किसान की सारी प्रॉब्लम्स बता थी. तो उसने किसानों के लिए सब कुछ किया, किसानों को जो जो चाहिए था उसने सब कुछ दिया. किसी भी किसान को कोई तकलीफ नहीं होने दी. अब धीरे धीरे जो है एक साल ख़त्म होने को आया तो भगवान जो है किसान के पास पहुँचे. भगवान ने किसान से कहा कि अब बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो उस किसान ने कहा कि भगवान मैं आज भी आपसे वही कहता हूँ जो मैंने आपसे एक साल पहले कहा था, कि आपको मैनेजमेंट नहीं आती. आप ये देखिए, ये आदमी कितना खुश है, ये अपनी फसल, इसकी फसल की खेती कितनी अच्छी हुई है. जब ये आपकी राज में था तो ये सारे रो रहे थे, कोई भी खुश नहीं था. तो भगवान ने कहा कि तुम कुछ दिन इंतज़ार करो, फिर देखना क्या होता है. कुछ दिन बीते, फसल के कटने का समय आया. जब फसल को उन्होंने काटा तो धान झाड़ते हैं, धान झाड़ने से उसमें से चावल निकलता है. तो उन्होंने देखा कि चावल की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा ही कम थी. तो सब लोग परेशान हुए, सब भगवान के पास पहुँचे कि भगवान ये कैसे हुआ. तो भगवान ने उन्हें कहा कि जब तुमने कभी हार्डशिप्स की ही नहीं तो तुम फल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो जो धान का जो धान जिसमें उगती है वो पौधे की जड़ से होती है. जब उस पौधे ने कभी तकलीफ़ ही नहीं झेली, मतलब सूखा वगैरह उसने कभी तकलीफ़ झेली नहीं, तो उसे फल कैसे उगता. उसकी जड़ें मजबूत हुई नहीं तो उसमें धान उगे ही नहीं. तो वैसे ही अगर आपकी लाइफ में हार्डशिप्स आते हैं तो आप परेशान ना हो, हार्डशिप्स होंगे, बिना हार्डशिप्स के आप ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं. बच्चे कहते हैं कि मैम सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें, हमसे नहीं होगा, हमसे जेई क्लियर नहीं होगी, हमसे नीट क्लियर नहीं होगी. इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते. अगर हम आपकी लाइफ में सेटबैक्स आ रहे हैं तो आप और ऊंचा कूदेंगे, आप और आगे पहुंचेंगे. तो आपको जो है परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप बस मेहनत करते जाएं, आपको फल ज़रूर मिलेगा. एज इट इज़ सेड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल, बिकॉज अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उसे सच भी ज़रूर कर सकते हैं. अब बच्चे ये पूछते हैं कि मैम एग्ज़ाम बहुत पास है, रिविजन कैसे करें, फॉर्मूले इतने सारे होते हैं, अगर हम फॉर्मूले रटने बैठते हैं तो क्रैमिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग हो जाती है, और हमारे पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं. तो देखिए ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है. तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अब जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें, सुबह मैथ पढ़ लेते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर बायो पढ़ लेते हैं. तो अगर हम सब चीज़ एक दिन में पढ़ने बैठते हैं, एक साथ पढ़ने बैठते हैं, तो क्रैमिंग तो होगी ही. तो आप ऐसा करें कि जैसे हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं जिन्हें करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप कुछ समय निकालें. मैं जानती हूँ कि आपके पास समय की कमी होगी, बट एटलीस्ट आप अगर 10-15 मिनट निकाल करके अपनी हॉबीज़ को करते हैं तो आपको एक कनेक्टिविटी फील होगी, अंदर से एक एनर्जी फील होगी, आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे, आप रिफ्रेश फील करेंगे कि आप आगे पढ़ाई कर सकें. तो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें, अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करें. जैसे कि कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक करते हैं, तो इससे अच्छा फील होगा आपको, फिर आपका पढ़ने में भी मन लगेगा.